क्लास, दिस इज जीबी सर, योर मेंटर फॉर दिस लेसन। और इस लेसन में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरह से हम अपने बेसिक स्लीप स्लोपर को बेल स्लीप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक यूनिसेक्स चाइल्ड स्लीप स्लोपर चाहिए। इसका वीडियो ऑलरेडी मैं YouTube पे पोस्ट कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है या स्लीप स्लोपर को नहीं बनाया है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखेंगे। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जब आपका ये स्लीप स्लोपर बन जाए तो फिर आप इसी स्लीप स्लोपर को यूज करके बेल स्लीव के इस वेरिएशन को लर्न कर सकेंगे। स्लीप स्लोपर के अलावा हमें 16 इंचेस बाय 16 इंचेस की 3 न्यूज प्रिंट शीट भी चाहिए। अगर आपके पास ये न्यूज प्रिंट शीट नहीं अवेलेबल है तो आप कोई भी वाइट अनलाइंड पैटर्न पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपनी इस स्लीप को इस शीट पे ट्रांसफर करूंगा और इसके लिए मैं इस शीट के सेंटर में एक वर्टिकल गाइडलाइन ड्रॉ करूंगा। मेक श्योर ये जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे ये इन एजेस से बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए। आप टॉप साइड से एक अप्रोक्सीमेटली 5 इंचेस पर डॉट लगाएंगे और यहां से भी आप एक गाइडलाइन ड्रॉ करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन। एंड मेक श्योर ये गाइडलाइन भी इस वर्टिकल गाइडलाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब आप अपना स्लीव स्लोपर लीजिए और इसको जैसे मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं एग्जैक्टली आपको उसी तरह से रखना है। बाइसेप लाइन, आपके स्लोपर की जो बाइसेप लाइन है वो इस हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन पे होनी चाहिए। आपका कैप नॉच इस वर्टिकल गाइडलाइन पे होना चाहिए और जो आप ये ग्रेन लाइन देख रहे हैं ये भी आपकी बिल्कुल इस वर्टिकल गाइडलाइन पे पैरेलल होनी चाहिए। और अब आप इसे ट्रेस करें। मेक श्योर ट्रेस करते समय आपको अपनी बैक नॉचेस भी मार्क करनी है स्लीव की और फ्रंट नॉच को भी आपको मार्क करना है। स्लीव को रिमूव करने से पहले मेक श्योर आप ये चेक कर लें कि आपकी सारी लाइंस प्रॉपरली ट्रांसफर हो गई हैं। अगर हो गई हैं तो हम अपनी स्लीव को रिमूव करेंगे। अब हम अपनी रिस्ट लाइन को दोनों साइड से अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच एक्सटेंड करें। एल स्केल की हेल्प से आप अंडर आर्म पॉइंट को, क्योंकि ये आपकी ओरिजिनल अंडर आर्म सीम है, ये आपकी बैक की सीम है, ये आपकी फ्रंट की सीम है, आप अपने एल स्केल को इस अंडर आर्म पॉइंट पे रखिए एंड मेक श्योर आपका एल स्केल का एक साइड बाइसेप लाइन पे बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए और इसको स्क्वायर डाउन कर दीजिए। यही स्टेप आपको रिपीट करना है ऑपोजिट साइड में भी। ये देखिए मैंने एल स्केल का एक जो साइड है वो बाइसेप लाइन पे पैरेलल रखा और ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं ये मेरा बिल्कुल अंडर आर्म सीम पे रहना चाहिए। ये देखिए जो अंडर आर्म पॉइंट है वहां पे मैंने इसको टच किया है और मैं एक और स्ट्रेट लाइन स्क्वायर डाउन करूंगा।
नेक्स्ट हम लोग अपने मेजरिंग टेप की हेल्प से यहाँ पहले लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये बैक साइड है, ये आपका फ्रंट है। हम अंडर आर्म पॉइंट से और सेंटर लाइन तक अपने मेजरिंग टेप को रखकर इस पार्ट का हाफ करेंगे और एक मार्क। यही स्टेप हम फ्रंट के लिए भी करेंगे। और ये देखिए मैंने इसको भी हाफ कर दिया। अपने स्केल से आप इस पॉइंट को बाइसेप लाइन के ऊपर पैरेलल रखते हुए नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यही सेम स्टेप हमें फ्रंट के लिए भी रिपीट करना है। अब हम बात करेंगे बैक साइड में। ये हमारी न्यू अंडर आर्म सीन है, हम देखते हैं और ब्लू पेंसिल से इसे कट कर देते हैं। सेम विद फ्रंट। अब हम इसे कट करेंगे। हमें ये ध्यान रखना है हमें फ्रंट साइड की इस न्यू अंडर आर्म सीन को कट करना है, कैप कर्व को कट करना है और बैक में जो हमने न्यू अंडर आर्म सीन ड्रॉ की है इसे कट करना है। हम इस रिस्ट के नीचे, ये जो रिस्ट लाइन आप देख रहे हैं इसके नीचे जो एक्सेस आपने छोड़ा है इस स्पेस को आप कट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट की अंडर आर्म सीन को कट करते हैं। कटिंग आपकी बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। कैप कर्व को कट कीजिए। और देखिए ये आपकी स्लीव कट हो गई। अब देखिए मेरे पास दो गाइडलाइंस हैं। ये बैक साइड में आपको गाइडलाइन दिख रही है, यहां पर आप लिख लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहां पर भी आप लिख लीजिए, इसको आप जो फेस साइड है स्लीव का इसको आप फ्लिप कर दीजिए और इस गाइडलाइन को आपको क्रीज करना है ऑपोजिट साइड। ये देखिए ये मेरी बैक साइड है, ये मेरी फ्रंट साइड है। आपको गाइडलाइन को इस तरह से क्रीज करना है, ये सेंटर में दोनों देखिए मैच कर, ये मैच कर रही है। बेल स्लीव में एल्बो पर जो बेंड आता है उसको अकोमोडेट करने के लिए आप रिस्ट लाइन से, ये जो आपकी रिस्ट लाइन है इस रिस्ट लाइन से आप हाफ इंच अप जाएंगे और एक शॉर्ट गाइडलाइन 1/4 इंच की ड्रॉ करेंगे। बैक साइड में आपको हाफ इंच डाउन जाना है और अगेन ये हाफ इंच आप डाउन गए और अगेन ये 1/4 इंच का आप एक शॉर्ट गाइडलाइन स्क्वायर आउट करेंगे। फ्रेंच कर्व की हेल्प से अब हम इसे रीशेप देते हैं, रीशेप करते हैं हेमलाइन को। सबसे पहले मैं फ्रंट से सेंटर की तरफ आऊंगा जहां पर ये दोनों अंडर आर्म सीम्स मैच हो रही हैं और एक कर्व ड्रॉ करूंगा स्मूथ कर्व। ये देखिए
अब मैं बैक की तरफ से अगेन एक कर्व ड्रॉ करूंगा और दोनों को सेंटर पे मैच करूंगा। ये हमारी न्यू हेमलाइन हमने ड्रॉ कर ली, इसे कट कर लीजिए। ओपन कीजिए, जो मेरी बैक गाइडलाइन है इसको मैं कट करूंगा। आप इसको रीपोजिशन कर सकते हैं ताकि आप इजीली कट कर सकें। मैं बैक साइड वाली गाइडलाइन को कट कर रहा हूं और इसको आपको कट करना है कैप कर्व पर, आपको पूरा नहीं कट करना है। देखिए अप्रॉक्सीमेटली 1/16 inch तक आप इसे अटैच करके रखेंगे, थोड़ा सा और कट करेंगे। ये देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, एक और शीट लेंगे 16 inches by 16 inches की और यहां पर हम बेल का इफेक्ट देने के लिए, बैक साइड में बेल का इफेक्ट देने के लिए हम इसमें फुलनेस ऐड करेंगे। हमने अपनी न्यू शीट को भी देखिए प्रिपेयर कर लिया है। सेंटर में मैंने एक वर्टिकल गाइडलाइन ड्रॉ की है, इन एजेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए वो, अप्रॉक्सीमेटली टॉप एज से 5 inches डाउन, और एक हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन ड्रॉ की है जो इस वर्टिकल गाइडलाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब हम अपने स्लीव ड्राफ्ट को इस पे प्लेस करेंगे। आपकी जो स्लीव की सेंटर लाइन है वो बिल्कुल वर्टिकल गाइडलाइन पे पैरेलल होनी चाहिए और आपकी जो बाइसेप लाइन है वो हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन पे पैरेलल होनी चाहिए। स्कॉच टेप की हेल्प से आप इसे फिक्स कर लीजिए कैप पे और फ्रंट में भी आप इसको फिक्स कर लें ताकि जब हम काम करें ये इधर उधर मूव ना करे। अब यहां पर देखिए हम फुलनेस ऐड करने वाले हैं, तो आप 2 inches या उससे ज्यादा फुलनेस ऐड कर सकते हैं। मैं अप्रॉक्सीमेटली 2 inches फुलनेस ले रहा हूं, ये देखिए, और इसको भी हम फिक्स कर देंगे। अब एक और शीट लेंगे 16 inches by 16 inches की और अपने इस ड्राफ्ट को हम उस पर ट्रांसफर करेंगे, लेकिन ट्रांसफर करने से पहले हम इस फुलनेस में जहां ये जो स्पेसिंग आप देख रहे हैं यहां इसको भी हम रीशेप करते हैं। ये मैं रेड पेंसिल का यूज कर रहा हूं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो और हमने इसको भी रीशेप कर लिया। मैंने एक और शीट ले ली है, मैंने इसे भी प्रिपेयर कर लिया है। देखिए मैंने एक सेंटर में वर्टिकल लाइन ली है, अगेन टॉप साइड से 5 inches डाउन, अप्रॉक्सीमेटली 5 inches डाउन एक हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन ली है, बट मैं इसे थोड़ा डार्क करूंगा ताकि जब मैं अपने ड्राफ्ट को इसके ऊपर रखूं तो मुझे ये लाइन टॉप शीट से प्रॉपरली विजिबल होनी चाहिए। ये मुझे अपनी वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन को मैच करने में कोई प्रॉब्लम ना। अब मैं अपनी शीट को इसके ऊपर रखूंगा एंड मेक श्योर हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन नीचे वाली शीट की हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन से मैच होनी चाहिए और वर्टिकल गाइडलाइन ही मैच होनी चाहिए। आप पेपर वेट से इसे होल्ड कर लेंगे, ट्रेसिंग व्हील की हेल्प से अब हम अपनी अपर शीट पे जो स्लीव ड्राफ्ट आप देख रहे हैं इसको नीचे वाली शीट पे ट्रांसफर करेंगे। मेक श्योर नॉचेस जहां पर भी आ रही हैं
आप उन्हें भी प्रेस करें। देखिए मैं स्लीप कैप प्रेस कर रहा हूं, नॉचेस बैक साइड की, अंडर आर्म सीम, फ्रंट साइड की अंडर आर्म सीम एंड देन हम करेंगे नीचे की हेमलाइन। सो रिमूव करने से पहले आप चेक कर लीजिए कि आपने सब कुछ प्रॉपरली मार्क कर लिया। ओके, अब हम इसे ट्रू करेंगे। ट्रू करने के लिए हम सबसे पहले हमारी अंडर आर्म सीम को ट्रू करते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। फ्रंट एंड नाउ बैक, अब हेमलाइन को भी ट्रू कर लेते हैं। आप बिल्कुल अपने ड्रेसिंग मार्क को फॉलो कीजिए। मैंने अपनी हेमलाइन भी ट्रू कर ली, अब मैं अपना कैप कर्व ट्रू करूंगा। सबसे पहले हम फ्रंट करते हैं, अब हम बैक कर रहे हैं, रेड पेंसिल से आप नॉचेस को हाईलाइट कर दीजिए। बैक फ्रंट एंड देन बैक। अब हम स्लीव की हेमलाइन के लिए फेसिंग बनाएंगे और इसके लिए हम एक अप्रॉक्सीमेटली 3 inches वाइड पेपर लेते हैं और इसको इस तरह से अपर शीट के नीचे रखते हैं। हमें सबसे पहले फेसिंग व्हील की हेल्प से आप इसे होल्ड भी कर लीजिए ताकि इधर उधर मूव ना हो। ट्रेसिंग व्हील की हेल्प से हम हेमलाइन ट्रेस करेंगे। ये हम स्लीव की फेसिंग बना रहे हैं ताकि हम स्लीव की हेमलाइन को फिनिश कर सकें। अब आप अप्रॉक्सीमेटली 2 inches तक दोनों साइड की अंडर आर्म सीम को भी ट्रेस कर दीजिए। यह आप पे डिपेंड करता है आप कितनी बड़ी फेसिंग लगाना चाहते हैं, 1 inch, 1.5 inches। मैं approximately देखिए 1.5 inches दोनों साइड से फेसिंग की विड्थ रखूंगा। आप इसको भी ट्रेस कर लीजिए। शीट को रिमूव करेंगे, हम अपनी फेसिंग की हेमलाइन को भी ड्रॉ करते हैं। अगेन आपको ट्रेसिंग मार्क्स को फॉलो करना है।
और जब तक मैं इन्हें ट्रेस कर रहा हूँ, आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे आने वाले किसी भी लेसन को मिस ना करें। और देखिए, मैं ट्रेसिंग मार्क्स को फॉलो कर रहा हूँ और मैंने ये हेम लाइन को भी ड्रॉ कर दिया। मैं अंडर आर्म सीम को भी ड्रॉ करूंगा। और फिर उसके बाद इस हेमलाइन को, हेमलाइन का जो कर्व है इसको फॉलो करते हुए जो मुझे अपनी विड्थ रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, मैं 1 इंच 1.5 इंच कुछ भी रख सकता हूं। मैं इसको डॉटेड लाइन से मार्क करता चला जाऊंगा। आप थोड़ा सा क्लोजली लगा लीजिएगा ताकि आपको ट्रू करने में आसान हो। सेम वे में हम इसको ट्रू करेंगे। आपको अपने डॉटेड लाइन को फॉलो करना है। ये देखिए, और ये हम लोगों ने अपनी फेसिंग बना ली। अब हम अपने पैटर्न को एनोटेट करेंगे। सबसे पहले हम ग्रेन लाइन मार्क करते हैं सेंटर लाइन पे। ये हमने वर्क ग्रेन लाइन मार्क की। क्या बनाया है हमने? बेल स्लीव। कौन से साइज की बनाई है? साइज 5। और इसे हम कट करेंगे कट 2। सिमिलरली हम अपनी फेसिंग पे भी एनोटेशन ड्रॉ करेंगे। ग्रेन लाइन, बेल स्लीव, फेसिंग साइज 5 एंड कट 2। एनोटेशन के बाद फाइनली मैंने अपनी स्लीव के 4 साइड्स में 1/2 इंच का सीम अलाउंस ऐड कर दिया है। और इसी तरह से आप अपनी फेसिंग के 4 साइड्स में भी 1/2 इंच का सीम अलाउंस ऐड कर देंगे। और इस तरह से हम बनाते हैं बेल स्लीव। थैंक यू।